अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी इस्लामाबाद देखते हैं मज़दूर तबके की माशी क्या सूरत हाल है। क्या काम करते हैं आप? मैं ये रेडी लगाता हूँ, मेरे दो बेटे हैं, चार बेटियाँ। फिर किस तरह कर रहे हैं? बस इसी से निज़ाम चल रहा है, हुकूमत की तरफ से हमें कुछ चुकंदार नहीं मिली। हमारी दो गाड़ियाँ थी, वो उनका पार्किंग के हिसाब से पैसे नहीं पूरे हुए। पार्किंग में दो सौ रुपये रोज देते, एक जगह 200 एक जगह, तो कोई पैसा। एक गैस की दफ्तर में लगी थी वो भी निकाल दी, एक आम महकमे में लगी थी वो भी निकाल दी। इन्होंने कहा कि आप आयल नहीं हैं, आपकी गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ तो गड्ढियाँ खलती हैं ना, खलती है ना गड्ढियाँ ने को आटा मांगना, आटा करने, फिर गुजारा वैसे ही कर रहे हैं, बस भाग दाग के गुजारा कर रहे हैं। इधर से धार लो, उधर से धार लो, सेहत पोशों का ख्याल करो। नहीं मिला, नहीं मिला, 12,000 नहीं मिला, चिट्टा है हमारे को बिल नहीं मिला। अप्लाई किया था? अप्लाई किया था? दा पता किया था, सारे के मिली गए, लोगों की बड़ी माँ मिलने पे, हमारी बेटी की लभी गए, वो जो रमजान अम्मी जड़ी है। हेलो, तो तुम्हें की आख्या ने? मैं आख्या ने हाले कोई नहीं आख्या। चलो अच्छा, देसन या नहीं? देसन 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 किस तरह ना जाने वाले की दे, जाने बगैर ना देन। ₹12,000 अप्लाई किया था? जी मैंने अप्लाई किया था। तो फिर क्या हुआ? नहीं आया जी अप्लाई। मुझे पहले तो कहा था आप वेट करें दूसरे मरहल्ले में, जब दूसरा मरहला आया तो फिर कहते हैं जी आप अहल नहीं। ऐसा होता है ना, जिनको हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको पैसे मिल गए, जबकि हमें ज़रूरत है। ये देखें ना, ये हमारा छोटा सा स्टॉल है, तो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहे हैं। बस ये देख लें, आपके सामने धक्के खा के गुजारे कर रहे हैं जी। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है ये ₹12,000 दे रहे हैं, ये आप सही तरह जांच पड़ताल करके दें। जिनको ज़रूरत है तो उनको मिलने चाहिए, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको नहीं मिलने चाहिए। अभी हमें ज़रूरत है, हमें नहीं मिल रहे हैं। मैंने कोई एक बार नहीं, कई बार ही किया है, यही है अभी जांच पड़ताल हो रही है। देखें मेरा काम भी नहीं है, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मेरी 5 बेटियाँ और एक मेरा बेटा है, 4 महीने का किराया है, मालिक मकान धमकियाँ दे रहा है, मैं कहाँ से दूँ? इधर मेरा काम एक टके का काम नहीं है, आपके सामने ही है। बहुत ज़लीलो ख्वार हो गए हैं, मैं मांगने पे मजबूर हो गए हैं, और मांगते हुए भी शर्म आती है, क्या करें? जब घर जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, चीज़ें मांगते हैं, तो ये क्या, एक रुपया तक नहीं मिला हमें। यही कि हम पे कोई तरस करें गरीबों के, मेरे जैसे गरीब मस्कीन लोग हैं, उनको देख के उनको खुद उनके घरों में तो जाकर देखें, बातें करना, ये करना, इससे गरीबों को तो कुछ नहीं मिलेगा, और हमारे बच्चे तो कसम से जब रोते हैं तो हम भी रो पड़ते हैं, क्या करें? इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है, और हम ये हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि हम जैसे गरीबों का कुछ ख्याल करें।